जा रही हूँ बंजीला। बंजीले के साथ मैं बनाऊंगी इसकी स्पेशल चटनी, और बंजीला आपको बिल्कुल डोसे का टेस्ट देने वाला है। लेकिन दोस्तों, बंजीला बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी नए नए इनोवेशन आपके फोन पर कर दिया भी जाते हैं। दोस्तों चलिए हम अपना बंजीला स्पेशल चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बन डोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मुरमुरे ले लेने हैं, सूजी ले लेनी है, जितनी सूजी की क्वांटिटी हो उससे जस्ट डबल मुरमुरे लेने हैं, और जितनी सूजी उतना दही ले लेना है, इनो ले लेना है और नमक स्वादानुसार। तो चलिए पहले हम अपने मुरमुरे पीस लेते हैं, मतलब पाउडर कर लेते हैं मुरमुरे का। और अगर आपकी सूजी भी थोड़ी मोटी वाली है तो आप उसे भी थोड़ा सा ग्राइंड कर महीन कर ले। मैं भी अपनी सूजी थोड़ी सी बारीक करूंगी क्योंकि मेरी सूजी मोटी है। तो ये कर लिया है मैंने, तो बैटर तैयार कर लेते हैं। तो सूजी डाल दी है मैंने और मुरमुरे का पाउडर भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, इनो हम अभी नहीं डालेंगे। तो नमक एंड दही वगैरह, दही डालकर हम इसे बैटर को तैयार कर लेंगे अपने। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। दही डालने में थोड़ा भूल गई थी, थोड़ी लेट दही डाली है मैंने। तो चलिए, हम अपने बैटर को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। फिर अब हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी हमारी बहुत स्पेशल बनने वाली है। तो चटनी के लिए मैंने धनिया ले लिया है, फ्रेश धनिया की पत्तियां ले ली हैं, और 5-6 हरी मिर्च ले ली हैं, 7-8 लहसुन की कली ले ली है, और मूंगफली की गिरी ले ली है लगभग 2-3 चम्मच, और ये जो गोला होता है नारियल, सूखा वाला नारियल, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी बिल्कुल मैंने इमली ली है लगभग 2, वो जो होती है इमली की, वो ले ली है मैंने, इससे खट्टापन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी मूंगफली की जो गिरी है और नमक स्वादानुसार ले लेना है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी ये जो मूंगफली की गिरी है इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि इनका ऊपर का कवर उतर जाए आसानी से। ये अब हाथ से बहुत ही आसानी से ये ऊपर का कवर उतर गया है, बिल्कुल सेट हो चुकी है जैसी हमें चाहिए थी। अब हम ये सारी चीजें मिक्सी के जार में डालकर और फटाफट चटनी बना लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और बस हमारी चटनी बन जाएगी। तो देखिए, हमारी चटनी बन चुकी है। इसे और भी थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें राई का तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें साबुत जो खड़ी वाली मिर्च आती है उसका भी तड़का लगा सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं फिलहाल राई का ही तड़का लगा रही हूँ इसमें। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल बनकर अब तैयार हो गई है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमारा जो बैटर सेट हो चुका है ना, तो उसमें भी और भी ज़्यादा उसे टेस्टी बनाने के लिए तड़का तैयार होने जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून राई ली है, 1 टेबल स्पून उड़द की दाल ली है, 2 मैंने हरी मिर्च बारीक कट कर ली हैं, और थोड़ी सी मैंने कड़ी पत्ता लिया है, ताजी कड़ी पत्ते की कड़ी पत्ता ही लिया था, और ये सारी चीजें ऑयल गर्म होने के बाद मैंने मिक्स कर दिया है और बस इसमें डाल दिया है, और तड़का भी लग चुका है, बैटर तैयार हो चुका है। पैन भी रख देते हैं और इनो डालकर हल्का सा मिक्स कर देते हैं। पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, देखा आपने, लगभग 2-3 बूंद डाली थी, और 2 चमचे मैंने इसमें बैटर डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा मोटा बनता है, इसीलिए इसका नाम बन डोसा है। तो बस अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे बन रहा है और ये फूल भी रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए ये तरफ से हो चुका है। दोबारा मैं ऐसे ही पलट दूंगी, मैंने ऑयल नहीं लगाया, बहुत ही कम ऑयल में बन जाते हैं और बहुत टेस्टी एंड हेल्दी हैं। तो ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें अपने सारे बन डोसे तैयार कर लेने हैं। तो
देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारे बन डोसी तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये जो चटनी बनी है ये भी बहुत स्पेशल चटनी है, क्योंकि नारियल की चटनी और मूँगफली की चटनी दोनों का टेस्ट देगी आपको और घर पर सबको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों आप भी ये बन डोसा ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नए नए इनोवेशन आपके फोन पर घंटे बजाते रहने चाहिए। तो दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए मोनिका इनोवेशन के साथ। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी नए इनोवेशन के साथ।